नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, लाखों दिलों पर राज करने वाले राजनेता, कवि और ग्वालियर के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने शिखर पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया। पार्टी मुख्यालय मुखर्जी भवन पर आयोजित एक सादे समारोह में सांसद विवेक श्रीजलवलकर, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अभय चौधरी, साडा के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव, वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश शर्मा सहित अन्य नेताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सांसद विवेक नारायण श्रीजवलकर ने कहा कि अटल जी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता थे, उनकी लोकप्रियता का सानी आज तक नहीं मिल पाया, कोई देख नहीं पाया। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने कहा कि अटल जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहा कि जब एक पार्टी का शासन केंद्र में हुआ करता था, तब उन्होंने 13 दलों की सरकार का नेतृत्व किया और उसका सफलतापूर्वक चलाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ के जमाने में भारतीय जनता पार्टी तक अटल जी अपनी विशिष्ट छवि के कारण सभी के चहेते थे। ग्वालियर में अटल जी का स्मारक या मूर्ति स्थापना के सवाल पर सांसद श्रीजवलकर ने कहा कि ऐसा केवल भाजपा के लोग ही नहीं चाहते, बल्कि लाखों लोग चाहते हैं। हमारे प्रयास जारी हैं और जल्द ही इस दिशा में काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रिय नेता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें आदरांजलि देने इकट्ठा हुए। अटल जी उन महान व्यक्तित्व में से एक थे जिनकी लोकप्रियता का सानी आज तक मिल नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, इन सब क्षेत्रों में अटल जी ने जो एक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है, उसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब इस देश के अंदर एक प्रकार से कोई भी एक पार्टी बहुमत में आने का दूर दूर तक कोई दिखता नहीं था, उस समय अनेकों पार्टियों की सरकार के रूप में अटल जी के नेतृत्व में सरकार चली। आज भी उस सरकार के बारे में लोग चर्चाएं करते हैं। महंगाई की बात अगर अपन करें तो अटल जी के ज़माने में कहा करते थे लोग कि चप्पलों के भाव शक्कर बिका करती थी। ऐसे हमारे प्रिय अटल जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये संकल्प भी लेंगे कि उनके दिखाए मार्ग पर हम चलें। फिर से एक बार श्रद्धेय अटल जी के चरणों में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।